एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। चलिए चलते हैं आप खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भूपेश पर महादेव सट्टा ऐप को निर्बाधित रूप से चलवाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। एफआईआर पे भी है, जिसने पूरे 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ीय लोगों को लूटने का काम किया है। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय राजनांदगांव के मूढ़ी पार डोंगरगढ़ में आयोजित विशाल जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस की विफलताओं को आमजन के सामने रखा और कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही। चाहे 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत हो या रामलला दर्शन योजना हो, सब काम साए साए हो जो कितना। अब तेंदू पत्ता ला भी 5500 प्रति मानक बोरा खरीद वो ओकर लिए सरकार आर्डर कर चुकी से बोला मालूम है ये इस क्षेत्र में तेंदू पत्ता भी होते और बोनस भी देवो तेंदू पत्ता तोड़ैया मल्ला जो लाभ हो ही बोला सरकार वापस तेंदू पत्ता तोड़ैया मल्ला बोनस के रूप में दही। चरण पादुका योजना जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह तेंदू पत्ता संग्राहक जो 12.5 लाख परिवार है पूरे प्रदेश के अंदर उमन भर जो योजना चलाई सब योजना ला फिर से आपन के सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार लागू करने वाला है। और ये कांग्रेसिया मन लाए पारी सबक सिखाना है। 5 साल ठग के वोट लेके 70-71 सीट पागे रही, लेकिन 5 साल खाली छत्तीसगढ़ यहाँ मला ठगे के काम करीन, पूरा छत्तीसगढ़ ला अपराधगढ़ बना दिन, पूरा छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज कितना कांग्रेस के नेता मन और बड़े बड़े अधिकारी जो नेता मन के सहयोग कर इन भ्रष्टाचार में वो सब आज जेल के अंदर में है। उमन के जमानत नहीं होते, बेल नहीं होते, 6-6 महीना साल साल भर से आज जेल में है। और तो और ये प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रही 5 साल भूपेश बघेल जो आप मन के क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी है, आज ओकर ऊपर में भी FIR हुई से मालूम है कि नहीं आप मन ला।